गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्रूड ऑपरेशन इन एंड्रॉइड। तो अपन इस क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे। तो इस ऑपरेशन को अपने को एंड्रॉइड परफॉर्म करना, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 000 वेब होस्ट में जाकर, है ना, हम एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी पड़ेगी, फिर उस टेबल को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डेटा वेब सर्वर से। इसके लिए आपको वेब सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। इसके बाद फिर उन वेब सर्विसेज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको वेब सर्विसेज के एक लिंक दे देते हैं, और जो भी डेटा आता है उस डेटा को हमें लिस्ट्री पर डिस्प्ले कराना होता है। जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में आएगा आपका, तो मैं आपको बता दूँ, वो आएगा आपके जेसन के फॉर्म में आएगा। तो मैंने जेसन आपको पढ़ा दिया था। डेटाबेस सर्वर पर अपन डेटाबेस कैसे बनाते ये भी मैंने आपको बता दिया था। वेब सर्विस कैसे बनाते मैंने ये भी आपको बता दिया था। और इसके बाद में शायद मैंने आपको कनेक्ट करना भी बता दिया था। हाँ, एक चीज़ मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन को हमें वेब सर्वर से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए अपने यहाँ पर HTTP एक लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी का नाम होता है वॉली लाइब्रेरी। इसका यूज करना भी मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वेब सर्विसेज कैसे बनाते हैं, और उन वेब सर्विसेज को अपन एंड्रॉइड एप्लीकेशन से किस तरीके से कॉल करते हैं, और किस तरीके से आप यहाँ पर वॉली लाइब्रेरी का यूज करोगे। तो सबसे पहले अपन वर्क करते कहाँ पर, 000 वेब होस्ट पर। तो आप ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर सर्च कीजिए आप 000 वेब होस्ट, इससे आप लॉगिन हो जाइए 000 वेब होस्ट पर। तो आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। अगर पहले से आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो उसी अकाउंट का यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पर फेसबुक के साथ में भी लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन हो रहा हूँ। इंटरनेट की प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ तो यहाँ पर हो ही रही है। तो पहले से आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, जैसे एप्लीकेशन है मेरी यहाँ पर, देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ आ रहा होगा आपको, एक पॉपअप विंडो टाइप का। इस आप क्लिक कीजिए कहाँ पर, यहाँ पर मैनेज वेब होस्ट। फिर यहाँ पर आकर आपको एक टूल्स करके ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन काम करते हैं यहाँ पर डेटाबेस मैनेजर पर। ये डेटाबेस मैनेजर एक लिंक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो पहले से एक मेरा डेटाबेस है यहाँ पर, तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए न्यू डेटाबेस। तो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, प्लस न्यू डेटाबेस, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हमें नया डेटाबेस का नेम देना है, तो डेटाबेस का नाम दे दीजिए। तो मैंने इसका नाम दिया SISTec _DB। पासवर्ड जो भी आपको देना हो पासवर्ड दे दीजिए, मैंने तो यहाँ पर पासवर्ड दिया, ये दे रहा हूँ मैं, एडमिन दे रहा हूँ एडमिन, और ये पासवर्ड। अच्छा, डेटाबेस का नेम पूछ रहा है यहाँ पर, क्या बोला, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, तो एडमिन ही दिया मैंने यहाँ पर एडमिन। क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, टू शॉर्ट पासवर्ड। एक काम करते हैं अपन, डेटाबेस का नेम देते हैं एक बार फिर से, इसमें लेटेस्ट में दे रहा हूँ मैं SISTec _DB। तो यही आप यूजर का नेम भी दे दीजिए SISTec _DB, और यही आप पासवर्ड भी दे दीजिए। मतलब ये डेटाबेस नेम SISTec 12 कर दीजिए, और यहाँ पर SISTec 12। फिर से क्रिएट करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। इसको डिलीट किया अपन ने,
डिलीट किया, अब यहाँ पर नया डेटाबेस बना लीजिए। तो यहाँ पर डेटाबेस बनाया अपन ने सिस्टेक अंडरस्कोर डीबी, तो यूजर नेम दिया मैंने सिस्टेक, पासवर्ड इसकी सेटिंग चेंज होती रहती है, दिया सिस्टेक अंडरस्कोर 123। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सिस्टेक एट द रेट 12345। क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये पासवर्ड, ओके 12345 जी। यहाँ पर पहले अपन नॉर्मल पासवर्ड देते तो उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। यहाँ पर देखो क्या बोला कि पासवर्ड मस्ट बी लॉन्गर देन 12 कैरेक्टर्स एंड इंक्लूड द अपर केस लेटर नंबर स्पेशल कैरेक्टर एंड कैन नॉट कंटेन डेटाबेस यूजर या यूजर फ्रेगमेंट। चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने इसका पासवर्ड एडमिन एट द रेट 1234। अभी भी 1234 हैश। चलो ठीक है, अपने पासवर्ड दिए यहाँ पर एडमिन, हमें ये याद रखना पड़ेगा। चलो ये नेम तो अपन दोनों के एक जैसे दे देते हैं। यहाँ पर क्या बोला कि डेटाबेस एंड यूजर नेम मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। तो हमने डेटाबेस का नाम क्या दिया यहाँ पर सिस्टेक अंडरस्कोर डीबी, यूजर नेम दिया मैंने यहाँ पर सिस्टेक, पासवर्ड दिया एडमिन एट द रेट 12345 6। क्रिएट किया अपन ने डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएट हो गया आपका ये डेटाबेस, प्रोसेस चल रही है, चलने दीजिए इस प्रोसेस को। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर, कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है उस पर ही डिपेंड करता है। तो चलने दीजिए इस प्रोसेस को, अभी आप कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, अभी डेटाबेस के अंदर अपना एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा मैनेज और ये ड्रॉप डाउन टाइप का एक एरो बना हुआ है, इससे पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर PHP माय एडमिन, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, और फिर ये जो नया डैशबोर्ड है इस पर हमें काम करना है। तो PHP माय एडमिन यहाँ पर ओपन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डेटाबेस बनाया ना यहाँ पर, डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल बनाना है, तो जल्दी से आप भी यहाँ पर एक टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इस पर क्लिक कीजिए आप, लोडिंग। टेबल का नेम देंगे अपन यहाँ पर, चलो स्टूडेंट का ही बना देते हैं अपन, स्टूडेंट टेबल का नेम दिया। कितने कॉलम सेट करेंगे, इसकी प्राइमरी की ID, ईमेल, अभी काउंट करते हैं अपन यहाँ से, प्राइमरी की एक नंबर ले लेंगे अपन यहाँ से, ईमेल, पासवर्ड, नेम, जेंडर, सिटी, फोटो, तो इतने कॉलम्स हमें यहाँ पर ऐड करना है। पहला कॉलम रहेगा इसका SID स्टूडेंट ID, और इसको हमें ऑटो इंक्रीमेंट, इसका टाइप लिया इंटीजर और इसको अपन ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे,
और इसको प्राइमरी की बना देंगे अपन, ऑटो इंक्रीमेंट, और इसको अपन ने यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल मत दो, आप मोबाइल नंबर दे दो, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, फोटो, फोटो का जो टाइप है वो लेना है हमें यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट लेना है हमें। सिटी आप ले लीजिए वेयर केयर, साइज दे दीजिए 45, जेंडर वेयर केयर, साइज दे दीजिए आप यहाँ पर 6, पासवर्ड को भी आप यहाँ पर टेक्स्ट ले लीजिए, मोबाइल नंबर वेयर केयर, इसका साइज दे दीजिए आप यहाँ पर 10, नेम वेयर केयर, और साइज दे दीजिए इसको कितना 45। अब यहाँ से थोड़ा सा डाउन आइए, हम यहाँ पर इस टेबल को क्रिएट करना है, सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपने यहाँ पर, तो ये आपकी टेबल बन गई है, और इस टेबल के अंदर जो कॉलम्स है वो कॉलम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस टेबल से कनेक्ट करना है हमें किसको, हमारी वेब एप्लीकेशन को। तो अब आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, मतलब आपको वेब सर्विसेज बनानी है, तो इस फाइल पर आ जाइए, फाइल पर जैसे फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स एक ऑप्शन आएगा आपके सामने यहाँ पर, अपलोड फाइल्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अपलोड कर दीजिए आप यहाँ पर फाइल्स। अब हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पर देखो फोल्डर कैसे बनाओगे आप, ये देखो यहाँ पर ये फाइल और ये फोल्डर, तो फोल्डर बनाना है हमें यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर वेब, ये अपन ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, मतलब एक फोल्डर क्रिएट कर लिया अपन ने स्टूडेंट अंडरस्कोर वेब। अब इस फोल्डर के अंदर हमें HTML PHP की फाइल बनाना है, तो आप इस पर दो बार क्लिक कर दीजिए, इस फोल्डर के अंदर आ गए, हमें यहाँ पर एक फाइल बनाना है, तो ये किसके लिए बनाएंगे अपन, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पर इसका नाम देंगे अपन स्टूडेंट अंडरस्कोर db.php, तो ये फाइल बना ली अपन ने, और ये फाइल बना लीजिए यहाँ पर add_student.php, इतना तो कॉमन रहेगा, इसको कॉपी कर लिया अपन ने। प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ भी, क्योंकि वो टाइम हो गया हमें लॉगिन हुए, इसलिए जैसे यहाँ पर अपलोड फाइल, पहले तो अपन ये सारे पेजेस बना देते हैं, फिर इसके अंदर अपन कोडिंग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। टूल्स, फाइल मैनेजर, अपलोड फाइल्स, तो अपन यहाँ पर एक और फाइल बना दें एड स्टूडेंट के लिए, एड student.php, क्रिएट कर दीजिए फाइल को, एक फाइल बनाएंगे अपने यहाँ पर डिलीट अंडर student.php, अपडेट करने के लिए update_student.php, एक और फाइल बना दे अपने यहाँ पर login.php, एक और लास्ट फाइल बना लेते हैं अपने यहाँ पर view.php। तो इतनी सारी अपन ने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ली है,
तो इतने सारे पेजेस अपने यहाँ पर बना दिए, अब इनके लिए अपन कोडिंग करते जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, तो अपने ये टेबल बना दी थी है ना, तो ये टेबल बना दी। एक बार फिर से आते हैं अपन फाइल मैनेजर पर, डेटाबेस मैनेजर। लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारा डीबी नेम है ना, और ये हो जाएगा हमारा यूजर नेम, और ये होस्ट पासवर्ड आपको याद होगा ही, जो अपन ने पासवर्ड दिया था वो। तो यहाँ पर डीबी को ओपन करें अपन यहाँ पर। ओके, फिर से आ जाइए आप यहाँ पर, ये फाइल मैनेजर, अपलोड फाइल्स, स्टूडेंट स्कोर बैग, स्टूडेंट स्कोर डीबी। अब यहाँ पर अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये पीएचपी का टैग होता है ओपन टैग, और ये क्लोज टैग। इसके अंदर हमें कोड लिखना है, तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है इतना कोड, तो मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये कोड आपको लिखना ही है। तो सर्वर नेम होस्ट रहेगा ही रहेगा यहाँ पर। पासवर्ड क्या दिया था अपन ने, एडमिन एट द रेट 1 2 3 4 5 6। बाकी चीजें अपन यहाँ से ले लेंगे, डेटाबेस तो डेटाबेस क्या दिया था अपन ने यहाँ पर डीबी नेम, तो यहाँ से कॉपी करेंगे अपन डीबी नेम को। ये डेटाबेस के बाद में देखेंगे अपन यहाँ से डीबी यूजर, तो इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपन यूजर नेम पर। फिर यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होगा सेव एंड क्लोज, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया, इसको रन करके देख लीजिए। तो ओपन पर क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके, सॉरी ओपन व्यू, व्यू पर, व्यू है कहीं पर, ओपन मूव ऑप्शंस कहाँ गए, एडिट कॉपी मूव, इस फाइल को हमें फाइल को रन करना है, तो इसी URL के यहाँ से कॉपी करें। बी का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, स्लैश लगा के इसको पेस्ट कर दो, देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है हमें। ओके, सर्वर ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो एक बार अपन आते हैं पर फाइल मैनेजर, अपलोड फाइल, ये तो हमारा, इस पर राइट क्लिक करें, व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पर। चलो ठीक है, इसको कॉपी किया है यहाँ पर, फिर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पर, मैंने पेस्ट किया, देखते हैं देर ना सर्वर, सर्वर क्यों नहीं मिल रहा यहाँ। आई कैन रीनेम, रीलोड, ओपन,
फाइल ओपन हो रही है, व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पर। कंप्रेस देने मूव एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, ये मिस्टेक को अपलोड किया से फाइल। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आ सकती है जो मेरे साथ आ रही हैं, तो ये आप भी करके इसको इस तरीके से कर सकते हो। देखता हूँ मैं। हेलो, हाँ कुशाग, कुशाग मैं तुम्हें 10 बजे तक कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं काम कर रहा था कॉलेज का ही, है ना, है ना, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम ये हो गई थी हमारे साथ कि हमें यहाँ पर बना था पब्लिक HTML के अंदर, तो इसको अपन मूव करें, मूव चेंज करें अपन इसको इस पब्लिक के अंदर। ओके, यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। ओके, डेजिग्नेशन पब्लिक सेलेक्ट दिस मूव, है ना, तो इसको अपने यहाँ पर मूव कर दिया। अब कहाँ पर आना है हमें, पब्लिक HTML यहाँ पर और यहाँ पर। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर index.php add student, ये कौन सा आ गया भाई यहाँ पर, पहले से ये है, तो इसको हमें पहले से था यहाँ पर एक, इसको हटाया, इसके जितने स्टूडेंट्स थे इनको अपने यहाँ से रिमूव किया। तो ये जो पेज था ना हमारा, कौन सा वाला, स्टूडेंट अंडरस्कोर db.php, इसको आप यहाँ पर व्यू करके देखो तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हमने कोई डिस्प्ले भी नहीं कराया, हमने सिर्फ एरर मैसेज लिखा था कि अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तो हमारे सामने यहाँ पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा कोड सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो आइए हम क्या करेंगे, अब जो वेब सर्विसेज अपन ने बने इनके लिए कोडिंग तो भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या कर दें, यहाँ पर इस वेब मतलब इन API को हमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो आप भी यहाँ पर एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना लीजिए, मतलब एक नया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को नेम देंगे अपन इसको नेम दिया अपन ने स्टूडेंट अंडरस्कोर क्रूड अंडरस्कोर ऐप, अपन ने इसको
नेम दिया है। जल्दी सब क्रिएट कर लीजिए एप्लीकेशन को। क्रिएट हो रही है, तब तक अपन आगे की कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट को ऐड करना है। तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए अपन यहाँ पर कोड लिखेंगे। स्टूडेंट को ऐड करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कोड था, और शायद मैंने गिटहब का लिंक दिया था, उस लिंक पे ये अवेलेबल है कोड। तो ये कोड लिखा अपन ने यहाँ पर। तो हमें क्या इंक्लूड करना है यहाँ पर, स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी डॉट पीएचपी। तो रिस्पॉन्स के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक एरे बना लिया है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स में मैसेज भी देना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पीएचपी के अंदर एक एरे बनाया है। अब सर्वर से जो सर्वर पर जो रिक्वेस्ट आएगी, वो रिक्वेस्ट किससे आनी चाहिए यहाँ पर पोस्ट मेथड से। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर चेक किया कि सर्वर रिक्वेस्ट मेथड हमारी क्या होनी चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए। कंडीशन ट्रू है तो जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारी, उस रिक्वेस्ट से क्या करेंगे अपन यहाँ पर रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को गेट करेंगे। तो क्या क्या था, हमारा नेम था, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जेंडर भी था। पासवर्ड के लिए देंगे अपन वहाँ से PWD, और यहाँ पर भी PWD पासवर्ड। सिटी था, एड्रेस था ही नहीं, ब्लड ग्रुप भी नहीं था हमारा। चलो पासवर्ड यहाँ पर पहले से भी है। मोबाइल नंबर, एक काम करते हैं एक और कॉलम बढ़ा देंगे अपन डेट ऑफ बर्थ के लिए। हमें डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना अपन यहाँ पर सीख लेंगे। तो टोटल कितने कॉलम्स के नेम दिए अपन ने, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, पासवर्ड, सिटी, फोटो। अच्छा पासवर्ड यहाँ पर भी है, तो इसको हटा दें अभी अपन यहाँ से। एक बार देख लेते अपन जो टेबल बनाई थी अपन ने, उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम नेम थे और कितने कॉलम नेम्स थे। हाँ ये थे हमारे कॉलम नेम, सिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फोटो, ये सारी चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ हमें इसमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, अब आप यहाँ पर देखो इस टेबल पर क्लिक किया, इसके स्ट्रक्चर पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ऐड कॉलम आफ्टर फोटो किया आपने, इसका नाम दिया DOB, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, इसका टाइप वेयर केयर, इसका सही दिया मैंने यहाँ पर 15। सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आ गया आपका पासवर्ड, सॉरी डेट ऑफ बर्थ भी, ये ऐड हो गया डेट ऑफ बर्थ। ये आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर, चलो ठीक है। टोटल कितने कॉलम्स नेम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतने कॉलम्स नेम हमें देना है। तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इंसर्ट इनटू स्टेट्स तो है नहीं, तो इसको हटाया अपने यहाँ से। एड्रेस भी नहीं है, ब्लड ग्रुप भी नहीं है, जो जो चीज़ें हैं उसको अपन यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्टेट को हटाया यहाँ से, सिटी, ये ब्लड ग्रुप को हटाया, और यहाँ से स्टेट को हटाया अपन ने। तो कितने हो गए टोटल यहाँ पर, देखो ये हो गए आपके कॉलम्स नेम जिनके लिए हमें वैल्यू देना है, और इन कॉलम्स के लिए जो वैल्यू देना है वो वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये वो वैल्यू, नेम, सेकंड मोबाइल नंबर, थर्ड जेंडर, फोर्थ सिटी, फिफ्थ फोटो, सिक्स आपका पासवर्ड, एंड सेवन्थ की आपका डेट ऑफ बर्थ। फिर अपन ने यहाँ पर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया है। क्वेरी कहाँ पर एग्जीक्यूट हो, इसका नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी, ये वाली क्वेरी, तो इसको अपन ने यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है ना। और अगर यहाँ से कोई एरर आती तो आपका ये एरर मैसेज आ जाएगा। और ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मतलब ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, ये वाली 0 या 1।
तो वन पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब अपन ने एरे जो एरे बनाया था, इस एरे में अपन ने की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर कर, सक्सेस की वैल्यू 1 और सक्सेस की वैल्यू 0, और जो भी हमारा जो एरे बनाया था इसको एज ए रिस्पॉन्स क्या प्रिंट करा दिया अपन ने, जेसन इनकोडेड के फॉर्म में प्रिंट करा दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में डेटा इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए कोड लिखना है। तो कोड कहाँ पर लिखेंगे अपन, ये कोड लिखेंगे अपन एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो चलो स्टार्ट करें अपन, ये हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनके तैयार हो गई है। तो अपन यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी बना लेते हैं एड स्टूडेंट के नाम से। तो बना लीजिए आप यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी का नेम देना है हमें एड स्टूडेंट। अपन इसको नेम दिए यहाँ पर एड स्टूडेंट एक्टिविटी। तो जो लेआउट बनी है, इस लेआउट में अपन यहाँ पर फील्ड्स ऐड कर देते हैं, किस किस के लिए हमें डेटा लेना है। तो लेआउट लगा दिया अपन यहाँ पर लीनियर लेआउट, और जब भी अपन लीनियर लेआउट का यूज करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर ओरिएंटेशन। तो लगाया अपन ने ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो पहला एडिट टेक्स्ट क्या बनाना है हमें यहाँ पर, नेम के लिए मैच पेरेंट रैप कंटेंट, सॉरी मैच पेरेंट हो गया ये भी, इसको करना है आपको रैप कंटेंट हिंट, और क्या देना है आपको आईडी, और यहाँ पर इनपुट टाइप। टाइप क्या लेना हमें यहाँ पर, नेम के लिए तो टेक्स्ट लेना है, तो इनको कॉपी कर लो यहाँ से। हिंट क्या देना, आईडी देना हमें ईटी नेम, हिंट क्या देंगे अपन यहाँ पर एंटर नेम, फिर यहाँ पर आए ईटी मोबाइल नंबर, तो मैं देंगे अपन में से एंटर मोबाइल नंबर। और ही फील्ड्स बनाते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया मोबाइल नंबर के लिए, अपन बनाते हैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए। ये मोबाइल नंबर का टाइप कर लेंगे अपन यहाँ पर इनपुट टाइप सिप नंबर, यहाँ पर पासवर्ड के लिए ईटी पासवर्ड। तो हिंट देंगे अपन यहाँ पर कि एंटर पासवर्ड, ये पासवर्ड के लिए लिया अपन ने यहाँ पर। अब किसके लिए लेंगे अपन यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो यहाँ पर लेंगे अपन डेट ऑफ बर्थ ईटी डीओवी, लिखेंगे सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। कितने हो गए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। अब हमें फोटो के लिए भी लेना है यहाँ पर, जेंडर के लिए भी, सिटी के लिए भी। मतलब जेंडर के लिए लेंगे अपन यहाँ पर रेडियो ग्रुप मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ये रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप में लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन, रेडियो बटन नहीं, रेडियो ग्रुप लेना है मुझे, रेडियो ग्रुप। यहाँ पर लेना रहेगा हमें ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन लिया अपन यहाँ पर ओरिजेंटल। फिर यहाँ पर बनाएंगे अपन रेडियो बटन मैच पेरेंट, यानी मैच पेरेंट नहीं, इसको भी रैप कंटेंट ही बनाएंगे अपन, रैप कंटेंट
लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लेंगे अपन यहाँ पर मेल, इसको एक्सेस करने के लिए आईडी, इसकी आईडी लेंगे अपन यहाँ पर आईडी मेल, इसी टाइप से एक और रेडियो बटन ले लेंगे अपन यहाँ पर फीमेल के लिए, इसका टेक्स्ट चेंज किया अपन यहाँ पर फीमेल आईडी फीमेल, ये हो गया हमारा लेआउट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिटी को भी सिलेक्ट करना रहेगा, तो इसके लिए बनाएंगे अपन यहाँ पर, इसके यूज़ करते थे अपन इसके लिए, मैंने आपको बताया था ना एक बार अडाप्टर व्यू, तो अडाप्टर व्यू में क्या बोला था मैंने, स्पाइनर बताया था आपको, लिस्ट व्यू बताया था, अपन यहाँ पर लेंगे स्पाइनर, मैच पैरेंट, रैप कंटेंट, इसको एक्सेस करने के लिए अपन एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, आईडी दी एसपीएन सिटी, तो कितनी फील्ड्स हो गई देखने अपन एक बार यहाँ पर, सिटी हो गया, अच्छा हाँ फोटो, फोटो के लिए हमें लेना है यहाँ पर एक इमेज बटन, तो यहाँ पर ये इमेज बटन, अब इस इमेज बटन के लिए अपन इसकी लेंथ विड्थ ले ली यहाँ पर, एक काम करते इसको लेते अपन यहाँ पर 500 डीपी, और इसको ले लेते अपन यहाँ पर 500 डीपी, इसको एक्सेस करने के लिए इसको भी अपने को आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आईडी ली अपन यहाँ पर आईवी फोटो, एक डिफॉल्ट इमेज सेट कर दी अपन यहाँ पर एसआरसी, तो इमेज कहाँ से लेंगे अपन ने, ये इमेज सेट कर दी यहाँ पर डिफॉल्ट इमेज, जो फॉर्म बना इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें एक बटन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक बटन बना लीजिए आप ही, बटन का जो विड्थ लेंगे अपन मैच पैरेंट हाइट रैप कंटेंट, और इसका टेक्स्ट लिए अपन यहाँ पर कि ऐड स्टूडेंट, तो अपना लेआउट भी यहाँ पर तैयार कर लिए, और इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करा रहा हूँ, चल लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्ट एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसके यहाँ पर इंटेंट, तो कहाँ से कहाँ पर जाएंगे दिस टू ऐड स्टूडेंट एक्टिविटी डॉट क्लास, चलो इसको रन करें, इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं, और एप्लीकेशन भी रन हो जाएगी हमारी एक बार यहाँ पर, तो इतना काम आप लोग जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि काम अभी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा करना है। चलो ठीक है, डेटा को रीड करने के लिए हमें यहाँ पर वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, एडिट टेक्स्ट का ईटी नेम कोमा ईटी मोबाइल नंबर कोमा ईटी पासवर्ड ईटी डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर ये रेडियो बटन आईडी मेल आईडी फीमेल इमेज व्यू आईवी फोटो, कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स बना रहा हूँ, नेम मोबाइल नंबर सिटी जेंडर बाय डिफॉल्ट दिया मैंने यहाँ पर ईमेल, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये बचा स्पाइनर के लिए, स्पाइनर एसपीएन सिटी, कितने वेरिएबल्स बना लिए अपन ने यहाँ पर
मोबाइल नंबर ये हो गया, डेट ऑफ बर्थ DOV 1 2 3 4 5, कौन कौन सा बच्चा हुआ हमारा भी यहाँ पर, पासवर्ड कर बच्चा हुआ है यहाँ पर फोटो के लिए, ये फोटो अब इन सबको इनिशियलाइज करना है हमें, तो अपन यहाँ पर एक मेथड बना ले रहे हैं प्राइवेट void initialize, तो इनको हमें initialize करना है, तो pt name assign find byid r dot id dot pt name, pt password पासवर्ड ईटी मोबाइल नंबर, ईटी मोबाइल नंबर, ईटी डेट ऑफ बर्थ, ईटी डेट ऑफ बर्थ, ID female, ID female, ID male, find BYID, R dot, dot ID male, this is IV photo, IV photo, find byid r dot id dot iv photo, fiancity find byid r dot id dot spn city, इस मेथड को अपन यहाँ पर कॉल करा देंगे, इनिशियलाइज मेथड को अपन यहाँ पर कॉल करा दिया, क्योंकि जो अपन वेरिएबल्स बनाते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के यूज करके, तो उनको अपन यहाँ पर इनिशियलाइज करा लिया है। अब हमें जो हमारे स्पाइनर है ना, इस पर हमें वैल्यू सेट करना है, तो इसके लिए हमें अडाप्टर भी बनाना पड़ेगा, डेटा सोर्स बनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना है। तो जल्दी से आप यहाँ पर एक एरे लिस्ट बना लीजिए, एरे लिस्ट, इसमें डेटा किस टाइप के स्टोर करना है हमें, स्ट्रिंग टाइप का, इसको नाम दिया अपने सिटीज, क्या नाम दिया अपन इसको, सिटीज, इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करा लेते हैं, यहाँ पर सिटीज असाइन न्यू एरे लिस्ट। अब इस सिटीज में अपन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते जाते हैं, ऐड, तो 4 से 5 सिटीज के नेम ऐड कर दीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो ऐड किए जैसे मैंने यहाँ पर भोपाल, पुणे, पटना, जयपुर, रायपुर। अब हमें इन नेम को कहाँ पर ऐड करना है, इसे स्पाइनर पर सेट करना है या ऐड करना है, तो इसके लिए हमें किसी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर अडाप्टर की, तो जल्दी से आप भी यहाँ पर एक एरे अडाप्टर बना लीजिए, एरे अडाप्टर एक क्लास होती है, किस टाइप का डेटा स्टोर कराना है हमें यहाँ पर, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, इसका रेफरेंस बना दिया अपन ने ये अडाप्टर, इसको भी इनिशियलाइज कर दीजिए आप यहाँ पर, अडाप्टर असाइन न्यू एरे अडाप्टर, इसमें कितने पैरामीटर पास करना है हमें, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, पहला पैरामीटर रहेगा कहाँ पर इसको डिस्प्ले कराना है, सेकंड पैरामीटर रहेगा किस तरीके से इसको डिस्प्ले कराना है, एंड्रॉयड डॉट
r dot layout dot simple list item 1 इस फॉर्म में डिस्प्ले कराना है. क्या डिस्प्ले कराना है मुझे? इन सिटीज को डिस्प्ले कराना है. क्या, कहाँ, नहीं कहाँ, कैसे, क्या, है ना. ये तीन चीजें आपको याद रखना है. पहला रहेगा दिस, इसको कहाँ पर डिस्प्ले कराना है. सेकंड है लेआउट, किस तरीके से इसको डिस्प्ले कराना है. और थर्ड रहेगा आपको यहाँ पर डेटा सोर्स, क्या डिस्प्ले कराना है. अब इस अडाप्टर को अपन सेट कर देते किस पर, स्पाइनर पर, स्पाइनस एसपीएनसीटी डॉट सेट करेंगे अपन यहाँ पर अडाप्टर. तो ये जो आपने अडाप्टर बनाया इसको यहाँ पर आप एज ए पैरामीटर पास कर दीजिए. तो अपन ने इसको यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास कर दिया है. अब हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा को रीड करना है. क्या करना है, डेटा को रीड करना है. और डेटा को रीड कब करोगे आप, जब बटन पर क्लिक करोगे. तो चलो यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक void रीड डेटा. तो डेटा को हमें क्या करना है, रीड करना है. तो यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया अपन, व्यू. ये रहा हमारा व्यू. अब यहाँ पर डेटा को मुझे रीड करना है. सबसे पहले क्या रीड करेंगे अपन, नेम. तो यहाँ पर लिखेंगे नेम ऐसे, ईटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. फिर यहाँ पर पासवर्ड, ईटी पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईटी मोबाइल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. फिर इसके बाद में हमें रीड करना है यहाँ पर सिटी. तो सिटी के लिए तो अपन लिसनर लगाएंगे तो वो देख लिया जाएगा. अभी फिर इसके बाद में यहाँ पर ये मेल फीमेल के लिए यहाँ पर तो आईडी कंडीशन लगा दी यहाँ पर कि इफ आईडी फीमेल डॉट इज सेलेक्टेड, कंडीशन ट्रू होगी. जो जेंडर नाउ का वेरिएबल है इसमें कैश स्टोर करा देंगे अपन यहाँ पर फीमेल. और मेल तो ऑलरेडी अपन ने ऐड कर ही दिया था. तो कितने रीड के थे, 1, 2, 3. तो अभी डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ पर डमी डेटा दे रहा हूँ क्योंकि डेटा भी हमें सेलेक्ट करना रहेगा. तो इसके लिए हमें यहाँ पर कैलेंडर वगैरह बनाना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. तो इसके अभी अपन यहाँ पर डमी डेटा दे दी यहाँ पर 12/12/2020. तो डमी डेट ऑफ बर्थ अपन यहाँ पर सेट कर दिए. तो सिटी के लिए तो हमें लिसनर लगाना पड़ेगा, सिटी को रीड करना पड़ेगा. तो अपन यहाँ पर लिसनर लगा दे किस पर, एसपीएन पर, एसपीएन सिटी डॉट क्या लिखेंगे, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्नर. ये लगा दिया अपने यहाँ पर आइटम क्लिक लिस्नर. तो यहाँ से जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को अपन पास करेंगे एरे लिस्ट में. उससे क्या रीड करेंगे अपन, सिटी. तो सिटी असाइन कहाँ पर, सिटी डॉट गेट मेथड होती है, इसमें क्या पास कर देंगे अपन, पोजीशन. इससे हमने यहाँ पर सिटी को भी रीड कर लिया. तो सिटी 1, 2, 3 डेट ऑफ बर्थ हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. बच्चे क्या है हमारा यहाँ पर, फोटो. तो जो फोटो रहेगा उसको हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. और ये डेटा को मुझे सर्वर पर ऐड करना है, इसके लिए और कोडिंग भी बनाना रहेगा हमें यहाँ पर. तो अपन यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं क्योंकि मुझे डेटाबेस से भी डेटा पे स्टोर कराना था, इसके लिए कोडिंग लिखनी पड़ेगी. तो चलो अपन यहाँ पर एक क्लास बना ले रहे हैं. चलो इंटरफेस बना देते हैं इसको. इंटरफेस का नाम दिया मैंने स्टूडेंट_बैब.
तो ब्राउजर पर देखिए, तो ये आपका URL है, कहां से कहां तक का इतना ये आपका URL है। इस URL को कॉपी करो और यहां पर आप एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लो, अपन यहां पर दिया वेव अंडरस्कोर URL और यहां पर ये इसकी वैल्यू मेंशन कर दी अपन ने। ये कंप्लीट हो गया। फिर यहां पर एक क्लास बनाएंगे अपन, इस क्लास का नाम दिया मैंने यहां पर इमेज यूटिलिटी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप इमेज जो लेते हो ना, इसको मैनेज करने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी और इस क्लास के अंदर अपन यहाँ पर दो मेथड बनाएंगे। इसने हमारी इमेज यूटिलिटी, इसके अंदर अपन यहाँ पर दो मेथड बनाएंगे। तो ये कोड आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना जैसे मैंने किया है अभी यहाँ पर। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो इमेज रहती है उसको मैनेज करने के लिए अपन यहाँ पर यूज करते हैं बिट मैप, एक क्लास होती है जो इमेज को मैनेज करती है। तो अपन यहाँ पर बिट मैप को स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को अपन बिट मैप में कन्वर्ट कराएंगे। तो ये लेना है हमें एंड्रॉइड यूटिल से। पैकेज इंपोर्ट करा रहे हैं अपन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए, आप उसको स्ट्रिंग से बिटमैप में कन्वर्ट करोगे। और जब डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराना रहेगा तो अपन क्या करेंगे, बिटमैप से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाएंगे। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अपन यहाँ पर टू मेथड्स बना दिए यहाँ पर, वो दोनों ही मेथड्स कैसी हमारी स्टैटिक टाइप की मेथड्स हैं। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आ रही है यहाँ पर इमेज की, इमेज हमें रीड करना है और सर्वर पर भेजना है। तो इसके लिए हमें कुछ परमिशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो परमिशंस आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यूजेस परमिशन टैग का यूज करोगे। तो कौन सी परमिशन लगेगी आपके यहाँ पर, इंटरनेट परमिशन। तो आप जल्दी से यहाँ पर इस इंटरनेट परमिशन को ऐड कर दीजिए। फिर हमें यहाँ पर बॉली लाइब्रेरी को भी रजिस्टर्ड कराना रहेगा, तो कहाँ पर ऐड करोगे आप, ग्रेडल स्क्रिप्ट, एक आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल के, दूसरी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वाले जो ग्रेडल फाइल है इसके अंदर आएंगे अपन और यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। जो डिपेंडेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी हमारी यहाँ पर, तो डिपेंडेंसी रहेगी यहाँ पर एंड्रॉइड com.android.volley:volley, इसका वर्जन देखेंगे 1.1.0। देखते हैं, ग्रेटर सिंक कर दीजिए आप इसको, या लेटेस्ट आप वॉली लाइब्रेरी जो है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो आप एंडेंसी वो ये है 1.1 पॉइंट, ये दिखा रहा है इंटरनेट पर। तो मैंने इसको यहाँ पर एक बार फिर से सिंक कर दिया है। चलो आगे बढ़े अपन यहाँ से, एड स्टूडेंट। अब ये जो मेथड है इसको अपन कब कॉल कराएंगे, जब हमें फॉर्म सबमिट करना रहेगा। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस मेथड को कॉल करा लीजिए, ऑन क्लिक रीड, नहीं ऐड डेटा बोलेंगे अपन यहाँ पर, रीड डेटा नहीं, इस मेथड को नाम देंगे अपन ऐड स्टूडेंट। क्या नाम देंगे अपन इस मेथड को यहाँ पर, ऐड स्टूडेंट। तो अपन ऐड स्टूडेंट मेथड को वहां से कॉल कर दिया है। अब स्टूडेंट को हमें ऐड करना है, तो हमें रिक्वेस्ट पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेजना है। तो जो रिक्वेस्ट पैरामीटर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, हमारे की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो जावा में की और वैल्यू फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर मैप का यूज करेंगे।
तो मैप हमारा एक इंटरफेस होता है जो कि कहाँ से मिलेगा आपको, जावा डॉट यूटिल पैकेज से मिलेगा। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। मैप का रेफरेंस बना इसको इनिशियलाइज किया अपने हैश मैप क्लास के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसमें डेटा को ऐड करें तो मैप डॉट पुट, तो पुट करेंगे अपन यहाँ पर नेम, इसकी वैल्यू देंगे अपन यहाँ पर ये नेम, फिर यहाँ पर मैप डॉट पुट करेंगे अपन यहाँ पर फोटो, ये फोटो मैप डॉट पुट, इसको कॉपी कर लेते क्योंकि बार बार लिखना ही है मुझे, पर ये फोटो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर, जेंडर, फिर यहाँ पर अपन ऐड करेंगे जेंडर हो गया, पासवर्ड PWD, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ DOB, ये DOB कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक और क्या बच रहा है यहाँ पर, सिटी, सिटी और ये सिटी, तो सिटी को रीड कर लिया, तुम्हारा फोटो बचा हुआ है, फोटो को रीड करना है हमें, बाकी सारी चीजें ऐड कर ली है। और जो मैप के अंदर डेटा, इस डेटा को मुझे कहाँ पर भेजना है, सर्वर पर, सर्वर डेटा को भेजने के लिए अपन वॉली का यूज करेंगे। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर सबसे पहले तो रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, इसके बाद में स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, पहले बना लेते अपन यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू, रिक्वेस्ट क्यू, ये बना ले रिक्वेस्ट क्यू, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, यहाँ पर ये वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट पास करेंगे दिस, फिर यहाँ पर बनाएंगे अपन स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया अपन यहाँ पर स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का। इसमें कितने पैरामीटर पास करोगे आप, 4 पैरामीटर्स, पहला रहेगा आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट, डेटा को भेजना है तो कौन से मेथड का यूज करेंगे अपन, पोस्ट। सेकंड रहेगा आपके यहाँ पर URL, थर्ड रहेगा आपके यहाँ पर रिस्पॉन्स लिसनर, एंड फोर्थ पैरामीटर रहेगा आपके यहाँ पर रिस्पॉन्स एरर लिसनर। फिर इस क्यू में क्या ऐड कर देंगे अपन, इस रिक्वेस्ट को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर क्यू डॉट, ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को, पर अपन ओवरराइड करेंगे कौन से मेथड के यहाँ पर, गेट पारस मतलब पैरामीटर्स, यहां से रिटर्न कर देंगे अपन इस मैप को जो भी अपन ने बनाया था, आई थिंक मुझे यहाँ नहीं, इसको यहाँ बनाना है, तो भी फोटो बचा हुआ है हमारा,
तो फोटो के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर, कैमरे का यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे अपन यहाँ पर, कैमरे का यूज करेंगे। और फोटो को कहाँ से लेंगे अपन, गैलरी से, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ से लेना है हमें फोटो को, कैमरे से लेना है और गैलरी से लेना है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर मेथड्स बनानी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इससे आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कि देखो ऑलमोस्ट सारा कोड हो गया, बचा हुआ कौन सा हमारा अभी यहाँ पर कैमरे के लिए बचा हुआ, कि मतलब फ़ोटो के लिए, कि फ़ोटो को आपको गैलरी से लेना है या कैमरे से पिक करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो अलग अलग मेथड्स बनानी पड़ेगी, एक बनानी पड़ेगी गैलरी के लिए और दूसरी कैमरे के लिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अभी शायद ऑप्शन मेनू की जरूरत पड़ जाए या कुछ और लॉजिक अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और कैलेंडर भी मुझे यहाँ पर लगाना है तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो ये वैसे वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो आज के लिए इतना छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।